हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति तोशनीवाल एंड वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से मैं आपके साथ हूँ एक नए डिज़ाइन के साथ। यहाँ पर आप जो सीखते हैं, बनाते हैं, उसे आप अपने बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इससे इनकम जनरेट कर सकते हैं। कैसे, वो हम देखेंगे वीडियो के एंड में, उसकी चर्चा वीडियो के एंड में करेंगे। पहले देखते हैं हमारे आज का वीडियो, चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में ये तोरण हम बनाना सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले गोल्डन कलर का बेस है, 2 इंचेस इसकी चौड़ाई है, 40 इंचेस लंबाई है और रिंग्स लगी होती है इसमें हैंग करने के लिए। 2 लेसेस हमें लेनी है, एक मैरून कलर की, एक येलो कलर की है। इन्हें जो है हाफ बेस में हमें ऊपर की तरफ इस तरह से येलो कलर की और नीचे की तरफ मैरून कलर की जो लेस है ये पेस्ट करनी है। आप चाहे तो इसे स्टिच भी कर सकते हैं, पूरी फैब्रिक लेस है, बेस जो है हमारा फैब्रिक है, स्टिच भी हो जाती है। अगर ग्लू गन से चिपकाएंगे तो भी अच्छे से चिपक जाएगी। तो ऊपर के हाफ पोर्शन में हमें येलो और नीचे के हाफ पोर्शन में हमें मैरून कलर की ये जो लेस है उसे पेस्ट करना है। एक्स्ट्रा जो लेस उसे कट कर देंगे और इस तरह से एकदम पास पास में लेते हुए नीचे का जो बेस है वो नहीं दिखना चाहिए। उसके बाद ये 3 इंचेस का MDF का गणेशा है, इसके ऊपर हमें ये रेड कलर की रिंग पेस्ट करनी है। अलग अलग पैटर्न में आते हैं जो MDF के पीसेस हैं अलग अलग पिक्चर्स के साथ, तो इस तरह से देखिए 2 और हमें लेने हैं। एलिफेंट है यहाँ पर, इनके साथ येलो बेंगल और ये जो रंगोली का है इसके साथ रेड कलर की बेंगल ही हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद बेस को फोल्ड करके इसका सेंटर निकालेंगे। इस तरह से सेंटर में हम लगाएंगे गणेशा वाला पिक, गणेशा वाला ये पीस हम लगाएंगे, ये हमें सेंटर में लगाना है। उसके बाद किनारे पर देखिए एक पिंक कलर का फ्लावर है, उसके नीचे येलो कलर का वेलवेट रोजेस हैं, ये हमें लगाने हैं और इसके पास में वाइट कलर का ये फ्लावर है। तो इस तरह से ये एक फ्लावर का पेच टाइप का बन जाएगा। इसे दोनों किनारों पर हमें लगाना है, एक किनारे पर हमने लगा लिए, दूसरे किनारे पर भी सेम उसी तरह से हमें ये लगाने हैं। उसके बाद देखिए सेंटर से और किनारे के बीच की जो जगह है वहाँ पर एक जगह एलिफेंट, एक जगह ये रंगोली और यहाँ पर पिंक फ्लावर और येलो फ्लावर। अंदाजे से थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमने रखा है। एग्जैक्ट अगर आपको करना हो तो आप मेजरमेंट टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इसे हम इनके ऊपर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद ये कुछ फ्लावर बर्ड्स है, तो फ्लावर के नीचे ये 2 फ्लावर बर्ड्स हमें लगाने हैं, ऐसे ही येलो फ्लावर के नीचे और जो किनारे का हमारा पेच है उसके नीचे हमें ये बर्ड लगाने हैं। तो ये जो है हाफ बेस हमारा रेडी हो गया और बाकी का हाफ भी हमें इसी तरह से रेडी करना है। उसके बाद लगाएंगे लटकन। तो यहाँ पर देखिए एक छोटी लटकन हमने लगाई और एक बड़ी लटकन। छोटे लटकन जहाँ जहाँ पर हमने फ्लावर और पेचेस लगाए उसके जस्ट नीचे नीचे लगानी है और उनके बीच बीच में बड़ी लटकन हमें लगानी है। तो यहाँ पर देखिए छोटे लटकन के लिए एक रेडी लटकन है हमारे पास कोडी की, ये हम लेंगे और ये जो हमारा पेच है ठीक इसके नीचे हमें लगानी है। जहाँ पर हमने फ्लावर लगाए उसके नीचे और जहाँ पर हमारे पेचेस हैं MDF के उनके नीचे नीचे हमें छोटी लटकन लगानी है और उनके बीच में जो जगह बचेगी छोटे लटकन के बीच में वहाँ पर हमें बड़ी लटकन लगानी है। तो देखिए अभी बड़ी लटकन के लिए क्या करेंगे, यहाँ एक हम किनारे पर भी लगाएंगे फ्लावर का जो बड़ा पेच है और MDF का पेच है उसके बीच में। तो ये हमने रेडी लटकन ली, इसको उसी तरह से हमें थ्रेड के साथ अटैच करना है इस तरह से। उसके बाद 2 गोल्डन कलर की बॉल्स यहाँ पर हमें डालनी है, एक ये गोटा फ्लावर है 1 इंचेस का, रेड पोम पोम, फिर से गोटा फ्लावर, फिर से रेड पोम पोम और 2 जो है 8 mm के ऑफ वाइट कलर के पर्ल्स ये हमें लगाने हैं। ये लॉन्ग लटकन हो गई हमारी, पेचे से थोड़ा इस तरफ में बराबर की दूरी पर लगभग देखिए जो ऑलरेडी लटकन्स लगे हैं उनसे बराबर की दूरी पर हमें ये लगानी है और इस तरह से बेस के साथ इसे हम अटैच कर देंगे। तो पूरे बेस में हमें इसी तरह से लगानी है, ओनली जो किनारे के 2 लटकन है वो हम अलग लगाएंगे, थोड़ी लॉन्ग लगाएंगे। इन फ्लावर्स के नीचे जो है वो लॉन्ग लटकन लगाएंगे। ये शुभ लाभ और रिद्धि सिद्धि के रेड येलो कलर के कुशन है, इस तरह से थ्रेड के साथ पहले इसे अटैच करना है एक कुशन को, उसके किनारे को एक्स्ट्रा थ्रेड को कट करेंगे। एक टसल केप है ये हम इसके ऊपर डालेंगे। उसके बाद 8 गोल्डन कलर के पर्ल्स यहाँ पर डालने हैं, इसी तरह से सिद्धि के साथ 5 पर्ल्स हम डालेंगे गोल्डन कलर के। इन दोनों को इस तरह से हमें ज्वाइंट कर लेना है दोनों के थ्रेड्स को, थोड़ा थ्रेड एक्स्ट्रा रख के हमने इसे कट किया था, एक्स्ट्रा थ्रेड को कट करने के। उसके बाद जहाँ पर ज्वाइंट है वहाँ से फिर से हमें ये थ्रेड अटैच करना है, नीडल के साथ जो हमारा थ्रेड है उसे अटैच करना है और यहाँ पर ऊपर में एक गोल्डन बॉल डालेंगे, गोटा फ्लावर, रेड पॉम पॉम, फिर से गोटा फ्लावर। उसके बाद एक वुडन पैरेट है ये हम डालेंगे, यहाँ पर जो है 3 गोल्डन कलर के पर्ल्स, फिर से एक गोटा फ्लावर, रेड पोम पोम, गोटा फ्लावर और 6 जो है गोल्डन कलर के 8 mm के पर्ल्स हमें डालने हैं। और इतनी ये लटकन होने के बाद पेच का जो सेंटर होगा
वहाँ पर देखिए बेस के अंदर की तरफ यहाँ पर हमें ये अटैच करना है। तो दोनों किनारों पर हमें ऐसे लटकन अटैच करनी है, और सेंटर के लिए जो हमने एक छोटी और एक बड़ी लटकन देखी थी वो हमें लगानी है इस तरह से। उसके बाद देखिए इसके जो थ्रेड्स हैं उनके ऊपर हम इस तरह से ग्लू डाल देंगे ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाएंगे, निकलेंगे नहीं। किसी भी शुभ मौके के लिए तोरण, देखिए इसमें कोडी भी है, इसमें गणेशा भी है, एलिफेंट भी है, और कलर्स भी इसके रेड येलो इस तरह के हैं, पैरेट है इसमें। तो किसी भी शुभ मौके पर आप इसे लगा सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जो वीडियो के शुरू में हमने बात की थी कि इससे कैसे आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, कैसे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो ये जो पीस आपने बनाना सीखा है इसका DIY किट आपको मिल जाएगा। DIY का फुल फॉर्म है डू इट योर सेल्फ। इसमें किट में आपको पूरा उतना मटेरियल आएगा जितना इस पीस को बनाने में लगा है। आपको स्क्रीन पर आपने मेरे नंबर देखे होंगे, वहाँ से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। DIY किट का आप रेट देख सकते हैं, उसकी फ़ोटोज़ आपको मिल जाएगी, जो प्रोडक्ट उसकी फोटोज मिल जाएगी। DIY किट का जो रेट है उसमें अपना मार्जिन ऐड करके आप अपने ग्रुप में और आपके जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनमें फोटो सर्कुलेट कर सकते हैं। आपको जब ऑर्डर आए तभी आप वो किट ऑर्डर कीजिए और अपने कस्टमर को बना के दीजिए। इतना सिंपल है, जीरो इन्वेस्टमेंट से भी आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल्स के लिए व्हाट्सअप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।